गोंदिया जिल्ह्यात एका बाजूला अवकाळी पावसाने थैमान घालून अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान केले तर दुसऱ्या बाजूला आजही काही गावांमध्ये उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून पाणी टंचाईचे झळ गावाला पोहोचली आहे. असंच एक गाव गोंदिया तालुक्यातील बिरसी येथे ब्रिटिशकालीन विमानतळ होतं. ते विमानतळ आता नवीन स्वरूपात आलं असून या ठिकाणी गोंदियातील विमानतळ तयार झालं आणि त्यामुळेच या विमानतळाच्या नजदीक पास असलेल्या लोकांना पुनर्वसित करण्यात आलं आणि 106 लोकांचं कुटुंब पुनर्वसित गाव शासनाने दिलं असून त्या ठिकाणी 106 कुटुंब आपापले घर बांधून त्या ठिकाणी राहतात. परंतु अद्यापही या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा पोहोचल्या नसून आजही या गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह अतिमूलभूत सोयी मिळाल्या नाही. तर या ठिकाणी पाण्यासाठी महिला सह मुलांना पायपीट करावी लागत आहे. महिलांना रोज सकाळी पाण्यासाठी 1/2 किलोमीटर पायी जाऊन पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. परंतु गढूळ पाणी असल्याने धुणी भांडे करण्याच्या कामात येतो आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी गावातील नागरिक पैसे खर्च करून वॉटर कॅनचा वापर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या गावातील पाण्याचा प्रश्न जर असाच बिकट राहिला तर येणाऱ्या दिवसात मात्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पुनर्वसन हम लोगों को बिरसी कैंप से बिरसी में दिए हैं, लेकिन हम लोगों को पानी की सुविधा कुछ नहीं दिए. सब कुछ सुविधा देने वाले थे सरकार, लाइट नहीं, रोड रास्ता नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं. पीने के लिए पानी अच्छा भी नहीं मिलता, बोर में दूर आना पड़ता है. दूसरे के घर से पानी भरती हूँ, वो भी लाइट की सुविधा नहीं है. कभी हमको मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता. इतना दूर दूर आके पानी भरना पड़ता है बच्चे लोगों को लेके. गर्मी के दिन है और गर्मी में लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है. 1/2 किलोमीटर दूर से ही आना पड़ता है और इतना पानी भरने के लिए थकान हो जाते हैं. इतना दूर पानी अभी सरकार इतना सहूलियत देने के बावजूद भी हमको अनाथ रखे है. सरकार से हमको पानी की सुविधा करे, यही मांग है हमारी. पानी, लाइट, रास्ता. जैसे पुनर्वास किया है तो पुनर्वास करने के बाद सरकार ने बोले थे कि सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिला. और पानी की तो इतनी समस्या है कि दूर से पानी लाना पड़ता है और वो गंदा पानी है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं. और जो पीने का पानी है वो हमको बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है. इतनी मुसीबत है. शासन से मांगा है कि हमारे ये रोड रास्ता और ये पानी का व्यवस्था कर दे. पुनर्वास तो कर दिया है, लेकिन पुनर्वास करने के बाद हमको भूल गया लगता है. हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है जी. कम से कम 500 किलोमीटर 500 मीटर दूर है. पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत है और वो भी सुविधा मिलता भी नहीं. पानी की मलगट पानी से पानी भी ऐसे ये से है. और किसी का बोरिंग के भी पानी लाओ तो वो भी सही समय पे लाइट नहीं रहता, ये नहीं रहता. वो पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता. सर यहाँ पे एक्चुअली हुआ है कि बिरसी में जो जब से 106 लोगों का पुनर्वसन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ों की पूर्ति सरकार की तरफ से की जानी थी, जैसे रोड, रास्ता, नाली, पानी. सरकार ने पुनर्वसन के नाम पर प्लाट तो दे दिया, पर जो बेसिक चीज़ है, सबसे अति आवश्यक पानी है, लाइट है, रोड है, रास्ता है, पर अभी तक शासन ने ना रोड की व्यवस्था किया, ना पानी की व्यवस्था की, ना नाली की व्यवस्था की, ना लाइट की व्यवस्था की. अभी हमारे ग्रामवासियों को इतना तकलीफ यहाँ पे झेलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में इतिहास में पहला पुनर्वसन होगा जहाँ पे बेसिक चीज़ों की पूर्ति नहीं की गई, ना लाइट की पूर्ति की गई, ना पानी की व्यवस्था की गई. अभी हमारे ग्रामवासी आधा आधा किलोमीटर से पानी लेकर ला रहे, वो भी सिर्फ यूज कर. माँ प्रभावती बिल्डर्स लेकर आए हैं सोनेगांव तालाब को लगकर प्राइम लोकेशन पर प्रभावती अपार्टमेंट में 2 BHK लग्जरियस फ्लैट. अ प्रोजेक्ट बाय माँ प्रभावती बिल्डर्स. माँ प्रभावती बिल्डर्स के साथ होंगे अब आपके सारे सपने पूरे, वह भी किफायती दामों में. स्पेशलिटी मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट फैसिलिटी, पार्किंग, POP इन ऑल रूम्स, 24/7 ड्रिंकिंग वाटर एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल. GL टूर्स एंड ट्रेवल्स करे धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा. भेड़ाघाट, बनारस, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, अमरकंठक. साथ ही 7,001 रुपए भर कर अपनी सीट आज ही बुक करे. संपर्क करे सुंदरलाल यादव 9890332559 और बलराज यादव 9373212061. आर ऑफिस एड्रेस पार्वती नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर.